यार आपने मोस्टली मेरे को हर एक ब्लॉग में इसी टी शर्ट में या दूसरी टी शर्ट में देखा होगा। आप सोचते होंगे पता नहीं इसके पास कपड़े ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हो तो बिल्कुल सही सोचते हो, मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी फी भी खुद पे करता हूँ और साथ ही साथ मैंने कपड़े क्यों नहीं खरीदे अगर मैं खरीद सकता था तो। भाई सबसे पहले जो चीज़ है कि मेरे पास कपड़े गए कहाँ पे, अगर थे तो कहाँ गए। भाई मैं कॉलेज में था जब, उससे पहले कोरोना से पहले, तो मैं घर आया सिर्फ एक दो दिन के लिए, ठीक है। मैं एक आधा कपड़ा लेके आया था, लेकिन क्या हुआ कि भाई लॉकडाउन हो गया और मैं कॉलेज वापस नहीं जा सका। वहाँ मेरे बहुत से कपड़े पड़े हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे पास कपड़े नहीं है, वहाँ बहुत से कपड़े पड़े हैं। लेकिन घर आया भाई कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन मेरी जेबी जिद थी कि भाई मैं पेरेंट्स की पैसे से एक भी चीज़ नहीं लूंगा। मेरी जिद थी कि मेरे को खुद लेनी है। अब आप बोलोगे भाई तेरी पेमेंट तो पहले ही आ गई थी तो फिर तूने क्यों नहीं खरीदे। उसका रीज़न ये है कि यार उस टाइम में मेरे को अपनी फी वगैरह पे करनी थी, वो मैंने पे करी अपने पैसों से, ठीक है। अब जो मैं आज जा रहा हूँ वो मैं परचेजिंग करने जा रहा हूँ अपने कपड़ों की। जी हाँ, शॉपिंग करूंगा, अपने ऊपर कुछ पैसा स्पेंड करने जा रहा हूँ, तो वो आपको आगे दिखाऊंगा भी। लेकिन आपको बता दूं, अभी जब मैं जा रहा हूँ ना, उससे पहले मैं पठानकोट भी जाके आया था, वहां का भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट करा है। पहले पठानकोट घूम के आओ। फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे कि भाई हमें क्यों बता रहा है कि ये खुद की अर्निंग से ले रहा है, उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में दूंगा। लेकिन उससे पहले जो काम है थोड़ा सा वो लपेट दिया, थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो यार मैं पठानकोट में भी शॉपिंग करने ही गया था, लेकिन जब मैं भाई गया शॉप के अंदर, अब खुद अर्निंग कर रहा हूँ तो भाई खुद को पता है कि कैसे स्पेंड करना है कैसे नहीं स्पेंड करना है। घर वालों की कमाई पे तो ऐश हो जाती है। जब मैं गया भाई, उसने बोला जीन्स 1700 रुपये की आएगी, मैंने कहा 1700 की जीन्स सिर्फ, और कहता हाँ, और टी शर्ट अगर लेनी होगी तो कम से कम भी 1000 रुपये की एक टी शर्ट है भाई, मिनिमम जो अमाउंट है टी शर्ट की। मैंने बोला भाई छोड़ो, मैं अपने वहाँ जाता हूँ, मेरे यहाँ 600-700 रुपये की अच्छी पैंट आ जाएगी, वहाँ पे ले लूंगा, और साथ ही साथ में 200-300 में मेरे को टी शर्ट्स आ जाएंगी, क्योंकि अब खुद कमा रहा हूँ तो भाई खुद पता चलेगा। अब बोलोगे भाई तू हमारे साथ क्यों शेयर कर रहा है। भाई इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे टेक्निकल चैनल के ऊपर वो कमेंट भी करते हैं कि भाई आप कॉलेज में अर्निंग कैसे करते हो, कैसे हम भी कर सकते हैं। भाई वो तो मैं टेक्निकल चैनल के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ भाई कि मैं खुद से अर्निंग कर भी रहा हूँ और खुद से मैं अपने ऊपर स्पेंड भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो आपके लिए ये मोटिवेशनल हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं शॉपिंग करने। फाइनली मैं शॉप पे आ चुका हूँ, अभी तक ये टी शर्ट पसंद हुई है एक तो, और जीन्स पसंद करी है, वो आपको दिखाता हूँ। बताओ भाई कैसी लग रही है। भाई सेकंड शर्ट ये पसंद आई है, ये भी देख लो, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना नीचे सब कुछ कि भाई कौन सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। भाई तुम्हारा भाई फुल फॉर्म में है, देख लो भाई ये सारे अपने ही हैं। आज मैं 2.5 साल बाद शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग करके हो चुका है अब, ठीक है। तो आपको मैं घर जाके एक बार दिखाता हूँ भाई मैंने क्या क्या परचेज करा है, और मैं पहन के भी दिखाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप कि आपको मोटिवेशन भी मिली होगी। चलो तो भाई आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर। तो यार मेरे मम्मा भी यहाँ पे बैठे हैं, इनके भी थोड़ा रिएक्शन नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। देखो भाई ये एक शर्ट लेके आया हूँ, ये दूसरी शर्ट है, ठीक है, ये एक लोअर है, ये जीन्स है, ये एक जीन्स है, ठीक है, ये एक टी शर्ट है और ये एक टी शर्ट है, ठीक है। अभी आपको पहन के दिखाऊंगा और साथ ही साथ पहले मम्मा से थोड़ी सी बात की जाए। तो यार मम्मा आज मैं देखो इतने सारे कपड़े लेके आया हूँ, सारे जो क्या बहुत थोड़े से ही हैं, ठीक है। आप बताओ इससे पहले मैंने कभी इतने कपड़े खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं। लास्ट टाइम मैं जब भी कपड़े खरीदे कितने खरीदे थे और कब खरीदे थे? अपने भाई की शादी में। तो मतलब आज से 2-3 साल पहले, राइट? ठीक है। तब भी मैंने कितने खरीदे थे? तभी 2 सूट लिए थे। मैं आपसे कभी डिमांड करता हूँ कि मेरे को ये लेके दो या वो लेके दो? नहीं करता। तो आज आपको कैसा लग रहा है, आज मैं इतने सारे कपड़े लेके आया हूँ? बड़ा अच्छा लग रहा है अब। क्यों अच्छा क्यों लग रहा है पहले ये तो बताओ इनको। क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी खुद कमाई से खरीदे हैं जी कपड़े। तो आप खुश हो ना? हाँ। नहीं तो अब पहले मैंने कभी भी इतने नहीं खरीदे भाई, ये तो आप सुन लो, ठीक है। और मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था कपड़े वगैरह का, ये आज ही मैं लेके आया हूँ, बस आज मन किया था तो फिर मैं ले आया खूब सारे, ठीक है। आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा हो थोड़ा सा, मतलब शौक हुए हो कि भाई, मैं आपको लगता था कि मैं इतने कपड़े लेके आऊंगा? नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता था। तो फिर अब कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो भाई अब पहन के दिखाते हैं मम्मा को भी, ठीक है, और आपको भी दिखाता हूँ, आप बताना मेरे पे सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मम्मा एक चीज और बता दो, मैंने अपनी पसंद के कभी कपड़े खरीदे? नहीं खरीदे। और आज भी मैं अपनी पसंद के नहीं लेके आया हूँ, आज भी मैंने अपने भाइयों की पसंद के लिए। यार मुझे ना सबसे गंदा काम लगता है ये शॉपिंग करने वाला, कि मतलब क्या पसंद करो क्या नहीं। मैंने सीधा दुकानदार को, जो शॉप वाला था, उसको मैंने बोला भाई निकाल, और भैया ने सिलेक्ट किए और बस मैं उठा के ले आया हूँ। तो यार ये शर्ट लेके आया हूँ, ये जींस लेके आया हूँ। तो पहले मम्मा से पूछते हैं, मम्मा कैसा लग रहा हूँ मैं? बड़े क्यूट लग रही हो आप, ठीक है। ये मम्मा ने अभी तक बोला है, बट मुझे पता है ये कैमरे के सामने बोला है, अदरवाइज मैं कभी भी किसी की पसंद का कुछ लेके आता हूँ ना, मम्मा ये बोलते हैं नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, कोई दूसरा कलर लेके आ। जब भी मतलब 2-3 साल पहले यही हाल था, उसके बाद तो मैं कभी कपड़े खरीदे ही नहीं,
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भाई खुद तो ले आया, अपनी मम्मा के लिए भी कुछ लेके आया क्या जो दिखा रहा है इतना ज्यादा। भाई तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये इससे पहले भी पेमेंट आ चुकी है, मैंने आपको बता रखा है यूट्यूब पे। तो मम्मा उससे पहले आपको कुछ दिया था मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट से कि नहीं? हाँ हाँ दिया था। वो बता नहीं सकता मैं कैमरा के सामने मैंने क्या दिया था क्या नहीं, वो हमारा थोड़ा पर्सनल मैटर है। बट हाँ मैंने दिया था भाई, और काफी बड़ा था, ठीक है, मेरे लिए तो बड़ा था काफी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं थी। तो चलो मैं आपको दूसरी ड्रेस भी दिखाता हूँ अपनी, दूसरी ये शर्ट ली है और साथ में ये जींस ली है। मम्मा इसके बारे में भी बता दो जी। भी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? फर्स्ट टाइम मैंने मतलब देखा यार ऑफ कैमरा, मम्मा ने अच्छा ही बोला था कि ये अच्छी लगी काफी ज्यादा, कॉमन लैंग्वेज में जो हम करते हैं लोकल लैंग्वेज यूज, तो मतलब कि पहले वाला ही मम्मा ने फेक नहीं बोला, पहले वाला भी सही था, ठीक है। तो मम्मा को इस बार कपड़े पसंद आए, और बाकी पहन के दिखाऊंगा यार, मेरा मेन पर्पज था आपको दिखाने का कि मैं अपने पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि भाई मैं कमाता हूँ उससे, मतलब आप भी मोटिवेट हो, आप भी अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा कुछ करो, मतलब ये सब चीजें सिर्फ मोटिवेशन के लिए कर रहा था, ठीक है। अदरवाइज मैं ऑफ कैमरा भी ये सब मम्मा को दिखा सकता कि मैं ये खरीद के लाया हूँ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। दिल से हिमाचली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।